यानी कि भाजपा का जो है एक बड़ा मतलब गढ़ माना जाता है कि चाहे किसी की भी सरकार हो, लेकिन गौतम बुद्ध नगर से जो है तीनों सीटें जो हैं बीजेपी के पाले में जाती हुई नजर आती हैं। तो इस वक्त हम लोग गौतम बुद्ध नोएडा विधानसभा मौजूद हैं, हमारे साथ कुछ लोग गांव के वासी मौजूद हैं और इस तमाम चर्चा पर बातचीत करने के लिए और इस पर हम लोग बातचीत करेंगे कि आने वाले आगामी चुनाव को लेकर के दरअसल क्या देख रहे हैं, क्योंकि गढ़ है तो लोगों का ये मानना है कि गढ़ के अंदर भी जो है लोगों के अंदर बदलाव की जो है एक रीति चल रही है। चलिए बातचीत कर लेते हैं कि यहाँ की जनता का क्या रोल है, यहाँ की जनता जो है दरअसल सोच क्या रही है, क्या वाकई में इस बार बदलाव में बदलाव की ओर जो है इस बार बहार बह रही है या फिर जनता के मूड में कुछ और ही चल रहा है। चलिए आइए बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका, बताइए क्या नाम है? देवेंद्र सिंह। थोड़ा सा खड़े हो जाए दो मिनट के लिए। देवेंद्र जी एक बात बताइए, आप जो है अभी नोएडा में मौजूद हैं और यहाँ से मतलब सरकार कैसा काम कर रही है, थोड़ा सा बताइए। पिछले 4.5 साल में योगी की सरकार रही है, कितना कार्य किया योगी जी ने? कोई खास कार्य तो किया नहीं। नहीं, ये तो गढ़ माना जाता है गौतम बुद्ध नगर से, कुछ भी हो जाए मतलब भारतीय जनता पार्टी की मतलब सीट आनी ही आनी होती है, तो कितना काम किया है, कैसी लगी सरकार? सरकार यहाँ पे तो देखो सही बताएं आपको, यहाँ पे तो सारा प्राधिकरण काम करता है और प्राधिकरण ही सारा काम करता है, चाहे वो गांव का विकास हो चाहे शहर का विकास हो। बाकी कोई नया काम तो हुआ नहीं, जो पिछले काम चल रहे हैं उन्हीं में वो भी पूरे अच्छी तरह से नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा, नया काम कुछ नहीं हुआ अभी? नया काम तो कुछ हुआ नहीं, कुछ सेक्टरों में अच्छा काम भी हुआ है और कुछ सेक्टरों में अभी अच्छा काम हुआ नहीं है। जो अभी आप यहाँ पे देखो पूरे मच्छर नाली कूड़ा कर तो नया सेक्टर बन रहा है, ये मतलब नया सेक्टर बन रहा है तो ये भी पिछले 10 साल पुराना सेक्टर है, नया सेक्टर आज थोड़ी ना बनाई, इसे 10-11 साल हो गए सेक्टर को बने हुए को। कैसे देख रहे हैं, क्या इस बार भी जो है योगी जी की यहाँ से कुछ पकड़ बन रही है? इस बार योगी जी को चुनाव जीतना या सरकार बनाना टेढ़ी खीर है, आसान खीर नहीं है, टेढ़ी खीर है। चलिए तो हम जो है इस वक्त मौजूद हैं और सबसे पहले शख्स हमने जानने की कोशिश करी, क्योंकि थोड़ा सा नोएडा जो है थोड़ा डेवलप एरिया में माना जाता है, तो क्योंकि गढ़ भी है तो इसलिए थोड़ा सा जानना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इस बार जो है क्या चल रहा है जनता के मूड में, ये बड़ा सवाल है। बातचीत करते हैं, क्या नाम है सर आपका? पुष्पेंद्र यादव। पुष्पेंद्र, क्या नाम है? पुष्पेंद्र यादव। यादव जी, यादव जी एक बात बताइए कि सरकार कैसी लगी, सबसे पहले आप ये सवाल है, इसका जवाब दीजिए। सरकार हर उस पर विफल रही है बिल्कुल एकदम, कोई काम नहीं किया इसने और ना कोई विकास किया आज तक, ये 4-5 साल पूरे विफल रही है एकदम। नहीं, किस किस काम में विफल रही है सरकार, तो लगातार दावे कर रही है कि हमने हर काल को सफल कर दिया है, चाहे विकास हो चाहे रोजगार हो चाहे जो भी है, मतलब हर मौके पर विफल रही है योगी सरकार। तो नोएडा के अंदर गौतम बुद्ध नगर में ऐसी क्या कमी है, तो हाईटेक सिटी में माना जाता है पहले से ही कि बहुत अच्छी सिटी है, इसमें किसी दिक्कत नहीं है? हाईटेक सिटी है लेकिन सरकार तो सरकार का अधिग्रहण होता है ना, सब अधिकारी तो उसी के अंडर में चलते हैं ना सभी, अब जैसा वो करते हैं अधिकारी वैसा ही काम कर रहे हैं नोएडा में, कोई काम नहीं कर रहे, सब लूट खसोट पर लगे हुए हैं अधिकारी सभी। नया काम बताइए। कोई नया नहीं हुआ यहाँ पे नोएडा के अंदर, कोई नया विकास नहीं हुआ है और ना कोई काम ऐसा हुआ इसमें। अच्छा, कुछ ही समय के बाद जो है अगर जेवर एयरपोर्ट की बातचीत कर लिया जाए तो कुछ ही समय के बाद इसका शिलान्यास होना है, शायद मोदी जी आने वाले भी हैं, योगी जी भी आएंगे, तो ये तो आप लोगों के लिए बड़ा अपॉर्चुनिटी यहाँ से। वो आगे देखा जाए, जैसे सरकार बनती है वो डेवलपमेंट आगे करेंगे जैसे अभी होगा। हाँ, इनके तो कोई देन है ना, जेवर एयरपोर्ट भी इनके देन नहीं है, ये भी देन है, जेवर वाली ये मायावती जी ने दिया था जेवर एयरपोर्ट यहाँ और कांग्रेस की सरकार में आया था, इनका तो कोई नया है ही नहीं है फार्मूला। तो इस बार यहाँ से क्या चल रहा है युवाओं के मन में? यहाँ से बिल्कुल विफल रहेगी योगी सरकार एकदम, विफल रहेगी बिल्कुल एकदम। तो लहर किसकी चल रही है फिर? ये समाजवादियों की लहर है यहाँ पे ज्यादा। अच्छा, यादव जी हैं तो थोड़ा सा पक्ष होगा? नहीं 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 बिल्कुल, जब कोई विकास ही नहीं है यहाँ किसी प्रकार का भी। चलिए बातचीत कर लेते, क्या नाम है सर आपका? अभी थोड़ा देर पहले हम बातचीत कर रहे थे, कब से आप 70+ की आपकी एज है, तो इतनी एज में सरकार कभी आपने ऐसी देखी थी क्या? ना, हमने तो नहीं देखी सरकार। इसका मतलब सरकार अच्छी है? सरकार अच्छी काम अच्छा ना ना अच्छी नहीं बता रहे, सरकार किसान विरोधी है। अच्छा। मजदूर विरोधी है, गरीब के विरोधी है सरकार, ये जो आज की सरकार है। और जो सरमाएदार है वे मौज मार रहे, पुलिस मौज मार रही है, प्रशासन मौज मार रहा, प्रशासन खुला चल रहा, कोई किसान की आज तक कंप्लेंट या उनकी समस्या आज तक किसान की हल नहीं हुई, एक किसान या अथॉरिटी में जाता उसकी कोई बात ही नहीं सुनता। और यहाँ का जो प्रशासन है वो ही माल मार रहा है, यहाँ वही सेक्टर मतलब नोएडा का मालिक जो है यहाँ का प्रशासन है। हाँ, अथॉरिटी जो किसान को उसकी जमीन ले ली गई उसे बर्बाद कर दिएगा, यहाँ से विदा कर दिया किसान।
यहाँ से किसान को बिल्कुल रुखसत कर दिया गया, कब्जा उनका है, सरमाएदार जो पैसे वाले हैं, पैसे वालों की बीजेपी सरकार रही आज तक। तो ये जो आप पूरी प्रक्रिया बता रहे हैं, ये तो पिछली सरकार में भी अथॉरिटी रही थी, वही प्रशासन चल रहा था, उसी अब नहीं, अब ज्यादा हो रहा, अब ज्यादा हो रहा। पहले किसान की सुनते थे लोग, अभी जैसा सपोज कर लोग मुलायम सिंह थे, आज तक कोई नेता ऐसा नहीं हुआ मुलायम सिंह के मुकाबले। मुलायम सिंह किसान और मजदूर का असली नेता था मुलायम सिंह, बाकी तो उद्योगपति हैं, सब सरमाएदार हैं। जो मोदी की सरकार चल रही है केंद्र में, वो सरमाएदारों से चल रही है, सरमाएदारों को फायदा हो रहा है। भाई किसान की समस्या जो है, किसान आंदोलन जो चल रहा है, यो इससे त्रस्त है किसान। उन्होंने अपना जो कायदे कानून जो अपना सिस्टम बना लिया, कह रहे हैं कुछ परसेंट किसान है जो इसका विरोध कर रहे हैं, गिने चुने किसान है बस, बाकी असली किसान तो खेतों में खेती कर रहा है। और कौन है ये किसान नहीं है तो और बताओ, ये चोर हैं, डकैत हैं, क्या हैं ये? ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं कौन है ये? ये माफिया हैं बताओ, ये किसान नहीं और क्या हैं बताओ? तो अच्छा चलिए, जिनको दुख है दर्द है वो तो आंदोलन कर रहे हैं, और बेमतलब कौन जाएगा आंदोलन करने बताओ? इसलिए कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं। नहीं, राजनीति इसमें कुछ नहीं, किसान अपनी मांग मांग रहा है, और जो उनके साथ गलत हुआ, जो कानून बना उसको विरोध कर रहा, और कौन जाएगा? आने वाले कुछ समय के बाद चुनाव है, तो इससे क्या कुछ किसान आंदोलन से फर्क पड़ेगा क्या चुनाव में? बिल्कुल पड़ेगा, पड़ेगा क्यों नहीं, जब किसान त्रस्त है, किसान परेशान है, उनकी समस्या हल नहीं हुई तो फर्क जरूर पड़ेगा। लेकिन योगी जी का आज ही स्टेटमेंट आया है, वो ये कह रहे हैं कि इस बार जो है जितनी बीजेपी सीट लेकर के आई थी अपने आंकड़े को खुद तोड़ेगी, किसान आंदोलन से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसा है, पिछले चुनाव में किसान ने भी वोट दिया, मजदूर ने भी वोट दिया, सब ने वोट दिया एक मत होकर। वो वोट किस लिए दिया? हिंदू मुस्लिम का इन्होंने नारा लगाया था। अब की बार जो मजदूर है वो भी परेशान है, बीच का तबका जो काम कर रहा है वो भी परेशान है। एक आदमी, छोटा सा आदमी, एक किसान ने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, और वो प्रॉपर्टी उसने 20 लाख की बेच दी, सब खत्म कर दिया। अब यहाँ बोल रहे हैं कि लाओ भाई 20 लाख कहाँ से आया, GST दो। ये क्या कानून है जो बताओ? किसी शासन में नहीं हुआ, किसी सरकार में नहीं हुई इतनी गुंडागर्दी जितनी अब चल रही है। या सुनो तो किसी ने बताओ, मतलब कोई किसान आदमी अपनी जन्म उसको रोजी रोटी को बेच के वो 10 लाख 20 लाख इकट्ठा कर कर कोई धंधा करना चाह रहा हो तो जो कहा जा बेटा ये पैसा कौन सा आया, टैक्स दे। चलिए ठीक है, आते हैं सर आपके पास। अच्छा, योगी जी की सरकार कैसी लगी सर? योगी जी की सरकार बिल्कुल बेकार है। इन्होंने बड़े बड़े जितने भी हैं, जैसे ये हाईवे है, एलिवेटेड रोड है, ये अखिलेश जी ने बनाया। अच्छा। मेट्रो नेताजी लाए थे, 5 साल मायावती की सरकार थी, 1 इंच नहीं बढ़ी। उसके बाद अखिलेश जी की सरकार आई, यहाँ से ग्रेटर नोएडा तक पहुँची। उसके बाद सरकार चली गई, फीता काटने का मौका ही ना मिल गया। इन्होंने 1 इंच बढ़ाई हो तो बताओ। जेवर एयरपोर्ट का कह रहे हैं, जेवर एयरपोर्ट आ रहा है, अब आगे आएगा उसका जब देखेंगे। अच्छा, हाईवे बहुत ज्यादा बनाए, सड़कें वगैरह जो है भी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने वाले हैं खुद मोदी जी, तो उससे पहले तो अखिलेश जी ने बना दिया, 23 महीने में बना के दे दिया। इनकी 4.5 साल होगी तो इतने बना देना चाहिए था इन्हें। और ऑन करो, ऑफ करो, ऑन ऑफ करो जल्दी। तो अखिलेश जी ने 23 महीने में बना के दे दिया, नेताजी गिफ्ट दे दिया मुलायम सिंह जी को। अच्छा। तो नेताजी ने कहा था कि मैं फीता का मतलब उद्घाटन करने में विश्वास रखता हूँ, फीता काटने में नहीं। तो उन्होंने कहा कि हम आपके जन्मदिन पे तोहफा देंगे। अच्छा, योगी जी दावा कर रहे हैं इस बार कि जो है मतलब और तेजी से विकास होगा, और अपने जितनी सीटें लेकर के आए थे उस सीटों का जो रिकॉर्ड फिर से बीजेपी तोड़ेगी और फिर से भारी मतों से जीतेगी। ईमानदारी से चुनाव होगा तो बिल्कुल नहीं टूटेंगे, इनकी 100-125 सीट आनी है। ईमानदारी से चुनाव का क्या मतलब है? मशीन सही होनी चाहिए, बैलेट पेपर पर चुनाव हो जाए तो इनकी 100 सीट नहीं पार कर पाएंगे। बंगाल में भी उससे पहले और भी राज्यों में हुआ है चुनाव, तो हुआ है तो बंगाल में आप देख लियो क्या हुआ, कितना लठ बजवाया इन्होंने, कितना बम फेंकवाए, सब कुछ करवाए और उस पर आरोप लगाए, सब बात सिद्ध हो गई है, सब लाइनी का है करा धरा। अब चुनाव होना चाहिए MLC का चुनाव के बाद में, मार्च के बाद में। अब ये चुनाव पहले ही करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं? इसीलिए करवा रहे हैं अपना शासन का वो करेंगे। ठीक है, यहाँ जल्दी जल्दी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है सर? इधर क्या नाम है सर? ब्रजेश कुमार। ब्रजेश कुमार जी, एक बात बताइए, सरकार कैसी लगी? सरकार बिल्कुल विफल है,
बस इसने इतना किया कि छोटे बदमाश बंद कर दिए, बड़े बदमाश पाल दिए और उनकी बदमाशी पुलिस प्रशासन को दे दी। अफसरशाही हो गई कि भाई अफसर तुम करो बदमाशी, जो गुंडागर्दी लोकल लोग करते थे वो गुंडागर्दी अफसरों को दे दी कि आप गुंडागर्दी करो। बस इतना बदलाव किया इन्होंने। बाकी 4.5 साल में डेवलपमेंट का कोई कार्य आज तक एक भी कार्य, मैं कह रहा हूँ एक भी कार्य ये बता दो यूपी में योगी जी ने ये कार्य नया डेवलप कर दिया, एक भी कार्य कोई गिना दे बस हम मान जाएंगे। आप बता दो वो कार्य नया कर दिया इन्होंने। सड़कें को लेकर के दावा कर रहे हैं ना कि सड़कें हमने मजबूत, सड़कें कहीं नहीं है, नेशनल हाईवे जहां बन रहे हैं थोड़े घने वो पहले से बन रहे थे, रनिंग में बन रहे थे कंटिन्यू। अच्छा। इन्होंने कोई सड़कें नई नहीं बनाई, एक भी नई बनाई हो, कहीं डेवलपमेंट एक भी किया हो वो हमें बता दो। आप दे दो नाम, आप बता दो भाई ये कार्य इन्होंने नया कर दिया। सांचल एक्सप्रेस वे जो है बता रहे उद्घाटन करेंगे अभी, मैं कह रहा हूँ ऐसे एक आध रोड तो कहीं भी बना देते हैं उद्घाटन विद्यालय का भी। आज उद्घाटन करेंगे, ये 4.5 साल पहले उद्घाटन कर देते जब भी आ जाते तो अब तक बन जाता भाई। 2 साल पहले बना देते, 3 साल पहले बना देते, अब चुनाव के टाइम पे आ गया तो कुछ भी कर दो, कोई कितने वादे कर दो। समय तो लगता ही नहीं, वो समय लगता है, 4 साल पहले शुरू कर देते, 3 साल पहले शुरू कर देते अब तक बन जाता। फिल्म सिटी बन रहा है हमारे यहाँ, हमारे यहाँ मेट्रो बहुत पहले डीपीआर फिल्म सिटी बनी थी। फिल्म सिटी नहीं बनेगा, क्यों नहीं बन रहा है, जब बनेगा जब बता देना। ये कुछ नहीं है अभी, कुछ भी नहीं हुआ, एक भी डेवलपमेंट का काम बता दे भाई ये हो गया। यहाँ मेट्रो जो निकल रही थी डीपीआर तैयार होगी, वो मेट्रो पोस्टपोन कर दी इन्होंने। अच्छा। है ना। हाँ। इन्होंने कुछ नहीं बनाया अभी तक। क्या माहौल है यहाँ से? नहीं, बीजेपी जीतेगी यहाँ से तो। हाँ। मैं साफ बता रहा हूँ स्पष्ट, नोएडा से बीजेपी जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। काम नहीं हुआ फिर? हाँ, बदमाशी है। अच्छा। हाँ, यहाँ जो अच्छे किस्म के लोगों में थोड़े हैं और जो बदमाश है ज्यादा हो रहे हैं, तो बीजेपी जीतेगी। क्या जीतेगी? बीजेपी जीतेगी, जीतेगी बीजेपी सर, खूब जीतेगी। बढ़िया 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 काम कर रहे हैं, बहुत संतुष्ट है। बदमाशी समझ लो बिल्कुल खत्म कर दिया है। अच्छे तरीके से शासन का, आप प्रशासन का बहुत बढ़िया दबाव है, हम बिल्कुल खुश है। बताइए, ये तो कह रहे हैं सब कुछ बढ़िया चल रहा है। असल में आप ही के साथ ही, असल में ये हमारे बड़े अच्छे खास जानकार हैं और हमारे मित्र भी हैं। तो जानकार है तभी तो बोल रहे हैं। 2014 में ये बहुत बड़ा इनका बिजनेस चल रहा था, वो बिजनेस इनका बंद हो गया है। ये जिसे अंधभक्त और चश्मे वाली बात सुनी होगी ना आपने, वो चश्मा, ये अंधभक्त हैं ये असल में, बेसिकली वो जो बेवकूफ़ी का चश्मा है ना वो है। हाँ, और ये उस तरह से जो है ना सड़क पे आ गए हैं, जो वो थे ना बिजनेसमैन लोग, वो सड़क पे आ गए हैं। कह रहे हैं आप सड़क पे आ गए हैं। देखो सर, अर्थव्यवस्था चौपट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा। सुनो मेरी बात। मगर जो काम है जमीनों पे काम हो रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा चीजों बनने सुधारने में। जो साथ में बैठे हैं भाई साहब, ये कह रहे हैं कि मुझे एक काम गिनवा दीजिए, मुझे बनवा, काम हो रहे हैं, काम दिखा दे रहे हैं। NH24 देखो, पूर्वांचल देखो, और काम किया है, रोडों पे काम जबरदस्त हो रहा है, रोडों पे काम जबरदस्त हो रहा है सर, रोडों पे काम जबरदस्त हो रहा है। NH24 कितना पुराना रोड है? कितना पुराना रोड है सर बता दीजिए। कितना पुराना रोड है? आज से पहले भी गवर्नमेंट रही है, किसने वो कराया तक काम उस पे? किसने किया गवर्नमेंट ने काम? इसने किया जब से सारे गवर्नमेंट रही है, बसपा भी रही है, सपा भी रही है, किसने काम किया इस रोड पे? सर किसी ने नहीं किया, बता रहे हैं भैया। 10 साल हो गए उसको बनते हुए, 10 साल हो गए, अभी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, 10 साल हो गए NH24 को बनते हुए। चलिए चलिए चलिए, थोड़ा सा और दो चार काम गिनवा दीजिए। हाँ सर, नहीं बहुत सारे काम है, जाके देखें। एक्चुअल में ये यहीं रहते हैं नोएडा में, आसपास नहीं जाते, नहीं उधर से दूर जो है ये यहीं रहते। देखो अंदर के रोड है वो लोकल प्रशासन के काम है, मगर नेशनल लेवल पे देखा जाए जितना रोड पे काम चल रहा है, सड़क कोई विकास माना जाए नहीं, सड़क एक दूसरे से शहर दूसरे से जुड़ता है तो उसे तरक्की तो आएगी। बट अब यह कहने लगे एकदम ही हो जाए सारी चीजें, तो जब 70 साल में कुछ नहीं हुआ तो इतने 7.5 साल में क्या हो जाएगा? 70 साल से कुछ नहीं हुआ, ये बड़ा सवाल मुझे सुनने को मिलता है 70 सालों में। सर एक बार इसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं ये 70 साल में इन्होंने रेलवे को बेच दिया है और BSNL को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया है, और आपको पता है रिलायंस को बेच दिया है सारा, अडानी को बेच दिया है, उसे केंद्रीकृत कर दिया है कि जैसे इनका है ना कि पावर सेंट्रलाइज हो जाए केवल एक ही आदमी के, डिक्टेटरशिप ऐसी जो है, ये रोजगार और वो सब उनके हाथ में दे दिया, वो करेंगे जो भी डिसाइड करेंगे। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? यदि 70 साल में पिछली सरकारों ने कोई कार्य ना किया होता तो आज मोदी जी क्यों बोली लगा के खड़े होते टोकरे में रख के? आज जो सर टोकरे में लेकर मोदी जी बोली लगा रहे हैं कि खरीद लो, वो कहाँ से बेचते? क्या कह रहे हैं? भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था, इनका निजीकरण करना बहुत जरूरी था।
अच्छा, ये जितना जो है इन्होंने यहाँ पर घोटाले कर रहे हैं, इनके पुराने ऑफिसर बैठे हैं, भ्रष्टाचार कम करने के लिए उनको जो है निजीकरण करना जरूरी था। चीजें ऐसे नहीं कि कोई पर्सनल वो चलाएंगे, वो मैनेजिंग करेंगे उसको। अच्छा। वो मैनेज करेंगे उसको कि भैया आप इसको ढंग से लाए आप। कैसी लगी सर सरकार, जल्दी बताइए। सरकार बिल्कुल बढ़िया चल रही है। जो पहले के जो काम किए गए थे, जो सपा सरकार ने छोड़ दिए थे, यानी कि जब उनकी सरकार बदल गई थी, तो उस काम को उन्होंने आगे बढ़ाया, उसी काम को काम को उसको आगे बढ़ाया है। क्या किया है? रोका नहीं है, उस काम को आगे बढ़ाया है। ये भी एक बहुत बड़ा काम है कि उस काम को रोका नहीं, उसको आगे बढ़ाया, मतलब दूसरी सरकार के काम को भी आगे बढ़ाया। हाँ, उसी काम को आगे बढ़ाया। नया कुछ किया है? नया कुछ नहीं किया उन्होंने, वह उसी को है, उसी काम को आगे बढ़ा के उन्होंने कम्प्लीट कर दिया। अब उसका वो उद्घाटन कर रहे हैं। इस बार माहौल क्या है यहाँ से? इस बार माहौल यही है कि यहाँ से तो सीट यहाँ तो निकलेगी निकलेगी, यहाँ तो बीजेपी का गढ़ है, ये तो यहाँ पर तो तीनों सीट आएंगी। दूसरी जगहों से, दूसरी जगहों का समीकरण सबका जगह का अलग अलग है, सब जगह का अलग अलग है। लेकिन हाँ, ये है कि 19-20 है की बार थोड़ा मामला, लेकिन अगर जेन्युइन हुआ तो निकाला चल रहा होगा कि माहौल क्या है उत्तर प्रदेश में पूरे में। क्या वोट बैंक कम होगा इस बार? हाँ, वोट बैंक कम हो सकता है, लेकिन सरकार बन सकती है, बीजेपी बन सकती है। लग रहा है सर, आखिरी सवाल सर, आपको क्या लग रहा है? जैसे भाई साहब ने बोला है कि वोट बैंक जो इस बार कम हो जाएगा, लेकिन सरकार फिर से बीजेपी के बनेगी, क्या आपको विश्वास है इतना? विश्वास हमें तो है नहीं जी। अभी जब एक बात बताओ, मजदूर परेशान है, किसान परेशान है, और मेरे ख्याल से तो सब परेशान है, तो फिर वोट कौन देगा बताओ? कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार खत्म, इतना इतना जरूर है कि जो है धर्म के नाम पर वोट ले जाते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, बाकी तो सब परेशान है। तो बदलाव होगा इस बार? क्या चल रहा है यहाँ से? बदलाव होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में क्या चलेगा? पूरे उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा। बदलाव की उम्मीद है? क्या लगता है सर आपको, बदलाव की उम्मीद है? बदलाव नहीं होता जी, बदलाव नहीं होगा। घूम फिरा करके फिर योगी जी की सरकार आएगी, योगी जी की सरकार आएगी। तो जैसे योगी जी बोल रहे हैं कि अपना ही आंकड़ा खुद तोड़ेंगे, तो क्या लग रहा है इस बार रिकॉर्ड तोड़ेंगे अपना ही आंकड़ा? तो नहीं तोड़ेंगे, बाकी सरकार बीजेपी की बनेगी, बाकी सरकार बीजेपी की बनेगी। क्या लग रहा है सर आपको, ऐसा होगा? ये बिल्कुल ठीक नहीं है, नहीं होगा, दोबारा रिपीट नहीं कर पाएगी सरकार। अभी आपने कहा कि व्यवस्था कैसी चल रही है, कुछ एक जाति को टारगेट करा जा रहा, जैसा तीख हेमंत हो गए या वो हो गए, हमारे यहीं डूब क्षेत्र है, सबका साथ सबका विकास, सबका उसी में मैं बता रहा हूँ, सबका साथ सबका विकास पे ही। यहाँ से डूब क्षेत्र बढ़ा है 2 किलोमीटर, जो विधवा हैं, गरीब लोग हैं, उनकी जमीन कब्जाई जा रही है, खूब लिख के दे रहे हैं, प्रशासन कुछ नहीं करता। पुलिस में जाओ तो कह दे SDM देखेगा, SDM पे जाओ तो नवेडा देखेगा, नवेडा कह दे कि DM देखेगा। 8-8, 6-6 करोड़ की रिकवरी है, कोई सुनने को तैयार नहीं। सरकारी सबली जमीन काट दें, ऊपर से योगी कह रहे हैं कि सबको, जितने गुंडा बदमाश हैं सबको ठोक के बंद कर दो, किसी को बंद नहीं करते। मैं नाम बता रहा हूँ, सुबह चेक करवा लेना सबके, डूब क्षेत्र में यही काम हो रहा है। क्या होगा इस बार? इसमें बदलाव होगा, सरकार दूसरी बनेगी। इस बार क्या होगा सर? बदलाव आएगा और सपा की सरकार बनेगी यूपी में। कम चांस मुझे लग रहा है। नहीं नहीं, बाकी 99% बदलाव की लहर है क्या सर? इतना तो बता दीजिए। हाँ, बदलाव की लहर है। कैसे देख रहे हैं सर पूरा माहौल, क्या लग रहा है इस बार का क्या होगा? सरकार यही रिपीट करेगी, लेकिन कम सीट आएंगी। कम सीट आएंगी? हाँ। तो वो कम सीट का कारण नहीं, विकल्प नहीं है ना। अच्छा, विकल्प है? हाँ, सरकार फेल है मेरी नजर में। तोड़ रही है? नहीं नहीं नहीं, विकल्प नहीं है। साइकिल तो बड़ा लोग बता, विकल्प मैं कह रहा हूँ, कोई विकल्प नहीं है, इसीलिए योगी विकल्प नहीं है। क्या सर चांसेस? तो भाई एक्चुअल में 50-50 हैं दोनों के। किसके किसके? सापा के और BSP के, वो BJP के। तो पल्ला किसका भारी लग रहा है अभी? 4.5 साल कार्यकाल योगी जी का निकल गया, थोड़ा पल्ला किसका भारी? पल्ला तो BJP का ही भारी लग रहा है। भारी लग रहा है, सिर्फ गौतम बुद्ध नगर बता रहे हैं, पूरे यूपी का ही पल्ला भारी लग रहा है। छोटा सर सवाल, क्या लग रहा है आपको बातचीत में, पल्ला भारी लग रहा है योगी जी का? नहीं, बिल्कुल नहीं। कम से कम पश्चिम की अगर हम बात करें, पश्चिम में तो BJP को कुछ नहीं है, पश्चिम में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है इस बार। रीजन क्या होगा, कारण? जैसे मैं एडवोकेट हूँ, हाँ। ठीक है, हमारी यहाँ पे बेंच की मांग थी, हाँ। उसके बारे में करना छोड़ो, कोई बात करने को तैयार नहीं है, ठीक है। दूसरा किसान का मुद्दा, ठीक है किसान इतने दिन से बैठे हैं, मांग माननी अलग बात है, आप आके मिलते भी नहीं है, हाँ। भाई स्टेज पे आके बात तो कर सकते हैं, मानना ना मानना अलग बात है, हाँ। ये कहते हैं कि निजीकरण से फायदा हो गया है, बेची कहाँ है, लीज पे दी है। हम यहाँ नोएडा में घर लेकर रह रहे हैं, ये भी लीज पे है, तो हमने खरीदा नहीं है, इसका मतलब ये 99 साल के पट्टे हैं सबके, लीज क्या है? अगर 99 साल की कोई चीज़ है बेच गई, बिक गई है, वो उसमें कुछ बचता नहीं है, वो मेरे बच्चे भी उसी में रहेंगे, कोई मेरे से वापस थोड़ी ले गए यहाँ पे अगर मैंने ज़मीन ली है तो, क्योंकि लीज है 99 साल की है। ऐसी आप 99 साल को रेलवे दे दो तो बिक गई, एज गुल एज सोल्ड।
तो इसलिए यहाँ पे पश्चिम की अगर हम बात करें, पश्चिम में ये अपना जनाधार खो चुके हैं, है ना। अब ये पहले हिंदू मुस्लिम में बांटते थे, अब शहरी और ग्रामीण में बांट रहे हैं। अच्छा। क्योंकि अब हिंदू मुस्लिम में वो दम रहा नहीं है जो पिछली बार रहता था, है ना। एक छोटा सा पाकिस्तान का डर दिखाते थे, इतने एक देश से आप डरेंगे क्या? पाकिस्तान जैसे जो आपसे छूट के गया है, पिछले साल वो चल गया। ये तो गढ़ मानी जाती है ना पूरा गौतम बुद्ध नगर से, तो यहाँ से तो सीट निकल ही सकती है मुझे जहाँ तक लगता है। क्या आपको लगता है ऐसा? देखिए, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। एक बार एक खिलौने से एक बार बहकाया जा सकता है, दो बार बहकाया जा सकता है, हर बार आप नहीं बहका सकते हैं। अच्छा, अभी भाई साहब से मेरी बात हुई तो ये अभी जस्ट साइड में बैठो, ये कह रहे विकल्प नहीं है ना, इसलिए योगी जी को चुनना मजबूरी है। विकल्प क्यों नहीं है? विकल्प तो सारे विकल्प हैं भाई, अकेले थोड़ी हो रहे यहाँ पे। टक्कर में नहीं आ रहा कोई जो उनको समझ सके कि मतलब इनको नहीं तो दूसरे को वोट दिया जा सके। देखिए, जो जिसको वोट देना चाहता है वो उसको देगा। हिसाब से टक्कर में कौन? योगी जी के? अखिलेश ही है अभी फिलहाल तो। भाई जयंत चौधरी और अखिलेश के गठबंधन लगभग तय है, ठीक है। पश्चिम में जयंत का बहुत अच्छा होल्ड है इस टाइम, किसान के बाद। जब किसान इतना परेशान है, जो जिसने पहले इनको वोट भी दिया, तो वो अब चिटक के वापस आ रहे हैं। किसान जो अभी बड़े थोड़ा नाराज लग रहे हैं, तो क्या ये वोट बैंक में तब्दील हो पाएगा? बिल्कुल, ये वोट में तब्दील हो जाएगा। अगर 10 दिन की नाराजगी होती तो आप मना लेते हैं, या एक साल हो गया है, एक साल होने वाला है, एक साल की नाराजगी थोड़ी एक दिन में खत्म हो जाएगी। और मनाने का तरीका होता है, आपने जब बात ही नहीं की है, आपका कोई भी एक नेता राष्ट्रीय स्तर का छोड़िए क्षेत्रीय स्तर का भी कोई नेता वहाँ जाके एक बार कहता है तो साहब आप नाराज ना हो भाई, नाराज ना हो, किसान मेरे जितने भाई बैठे हैं, हम बात कराएंगे आपकी तरफ से, कोई गया? लेकिन फिर भी 12 दौर की वार्ता हुई थी बीच में। 12 दौर की वार्ता में क्या हुआ? अगर आप पहले से एक एजेंडा डिसाइड करते कि हम वापस तो लेंगे नहीं, आ जाओ, अब खाना खाने थोड़ी जा रहे हैं वहाँ पे। आप खुले मन से बुलाओ, खुले मन से बात करो। आप बताइए माहौल क्या है इस बार का? मैं अभी तो मुझे तो ऐसा लगता है कि बीजेपी की कोई लहर नहीं है, कुछ नहीं है, सब खत्म है। उल्टा इनके विरोध में एक लहर जरूर है। अच्छा। जिसको विकल्प अभी नहीं मिल रहा उसको 2 महीने में दिखने लगेगा, 2 महीने दिख रहा, 3 में दिखेगा, नहीं दिखेगा तो खुद खड़े होंगे। ये नहीं होगा कोई हम होंगे, हम नहीं होंगे, ये होंगे। पर ऐसा थोड़ी किसी भी तानाशाही चलेगी तो हम बर्दाश्त करते रहेंगे। विकल्प तो बदलाव क्या जनता सोच रही है इस बार? फिलहाल तो अखिलेश और जयंत ही हमें बदलाव में दिख रहे हैं, हमें बदलाव चाहिए और करेंगे। सरकार कैसी लगी फिलहाल आपको योगी जी की? फेल। मैं केंद्र की बात नहीं करूंगा, अगर मैं योगी जी की बात करूं, मैं योगी जी की भी बात कर रहा हूं। आपको बताया मैंने हमारी पश्चिम की बेंच की बात, हाईकोर्ट बेंच की, कोई जिक्र नहीं, कुछ नहीं है। आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे पश्चिम के जितनी कोर्ट्स हैं सब स्ट्राइक पे रहती हैं। अब उन्होंने खुद ही कह दिया सैटरडे ऑफ कर दीजिए, क्योंकि हर बार तो आप स्ट्राइक पे ही रहते हो। अगर वहाँ पे बंद पड़ा है ना, इतनी पेंडेंसी बढ़ चुकी है लॉकडाउन की वजह से, आप जुडिशरी में कितनी पेंडेंसी बढ़ गई है, 1 साल से 1.5 साल से वकील घर पे बैठे हैं, उनके पास भी काम नहीं है, लेकिन उनके पास विकल्प नहीं है। काम तो इसी में करना पड़ेगा ना, वर्चुअल। यहाँ पे आपके पास नेट, आप यहाँ पे कह सकते हैं नोएडा के अंदर चल रहा है, लेकिन आप गाँव देहात में इलाके में उनकी कनेक्टिविटी ऐसी नहीं है कि जो वहाँ से हम वर्चुअली किसी क्लाइंट का भला कर सकें। अपना भला जरूर कर लेंगे हम नेट पे,